स्वागत है। जयपुर सहित प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल के कारण नहीं हुई गुलाबी नगर में सफाई। शहर के बाजारों में लगे कचरे के ढेर। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने से खफा है वाल्मीकि समाज। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने पर वाल्मीकि समाज नाराज है। जयपुर सहित प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारी हड़ताल के कारण नहीं हुई गुलाबी नगर में सफाई। तो वहीं शहरों के बाजार में लगे कचरे के ढेर। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते जयपुर सहित प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था ठप होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने से खफा है वाल्मीकि समाज, जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। सफाई कर्मचारी हड़ताल के कारण गुलाबी नगर में साफ सफाई नहीं हो पाई है। शहर के बाजारों में कचरे के ढेर लग चुके हैं। भर्ती में चलते वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने से खफा है समाज के लोग, और जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते गुलाबी नगर में सफाई नहीं हो पाई है और जिससे जगह जगह पर कूड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो सफाई कर्मचारी है उनकी क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से 13,100 कोई पदों पर जो सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती में वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए। हालांकि यहाँ पर सरकार के साथ उनकी वार्ता हुई थी, स्वायत्त शासन विभाग में उनकी वार्ता हुई थी, वो वार्ता विफल रही थी और उसके बाद अभी सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है भर्तियों के लिए। उसमें आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से तमाम जो पद है उन्हें भरने का सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन वाल्मीकि समाज का है कि सफाई का काम परंपरागत तरीके से वो करते हुए आए हैं, तो ऐसे में उन्हें प्राथमिकता दी जाए और ज्यादा पदों पर उनकी भर्ती की जाए। हालांकि बीच में ये भी स्थिति आई थी कि तमाम पदों पर केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को ही नियुक्ति दिए जानी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से क्योंकि आरक्षण पद्धति लागू है और हर क्षेत्र सरकारी जो महकमों में भर्ती होती है उसमें आरक्षण के माध्यम से भी होती है, तो सरकार ने इस भर्ती को भी आरक्षण के माध्यम से ही करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कल अहम बैठक करके वाल्मीकि समाज की तरफ से जयपुर सहित प्रदेश की सभी नगरीय निकाय शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था नहीं करने का निर्णय लिया है, यानी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर में भी हजारों जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर है, और अभी कुछ देर में ही ग्रेटर नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में भी यहाँ पर सफाई कर्मी इकट्ठे होकर विरोध जताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यही है कि जिस तरह से विरोध बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजधानी की सफाई व्यवस्था है वो बेपटरी होती जा रही है। सुबह से ही वार्डों में ना तो ऊपर पहुंचे हैं और ना ही सफाई के लिए सफाई कर्मी, तो ऐसे में गंदगी के ढेर साफ देखे जा सकते हैं। और राजधानी में हालांकि दावा किया जाता है कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा रहा है, मेयर चाहे सौम्या गुर्जर हो चाहे मुनीश गुर्जर या फिर नगर निगम कमिश्नर हो, दावा कर रहे हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। जी योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।